प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर ये मोदी जी के ज्यादा मित्र हैं। नहीं, मुर्दाबाद मत बोलो भैया, वो उनका काम है, हमारा काम मुर्दाबाद बोलने का नहीं है। छह साल हो गए। अच्छा, पहले आप एक बात समझिए, ये कभी कोई मोदी मोदी जी की बात करता है, कोई नीतीश जी की बात करता है, सच्चाई ये है कि मोदी जी और नीतीश जी एक ही चीज है। क्योंकि नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी की मदद करते हैं और नरेंद्र मोदी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये दो अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। अब छह साल से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और कुछ सालों से नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर। आपने वोट दिया था नीतीश जी को, जब आपने वोट दिया था आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, मगर नीतीश जी ने धोखा दिया। और जैसे अभी कहा, आपके पेट में छुरा मारा। पहले पीछे फिर पेट में, दो तीन बार। अच्छा, वो भैया नीतीश जी ने पहली बार छुरा नहीं मारा, बहुत बार मारा है वो अलग बात है। तो छह साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कुछ साल से यहां पे नीतीश जी चीफ मिनिस्टर। पिछली बार आए थे, वायदे किए थे 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। नीतीश जी ने कहा बिहार को बदल दूंगा, बिहार को बदल दूंगा, सड़कें आ जाएंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, बाढ़ की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये भाषण चलते रहते हैं, सच्चाई दूसरी है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा, मजाक किया, मगर मैंने कहा ये जो प्रेस वाले हैं ये नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, ये उनकी बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं। टीवी पे आप देखो, चुनाव है बिहार में, टीवी पे आपको सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, कभी कभी नीतीश जी को डाल देंगे अंदर, मगर मेन उसमें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दिन भर मन की बात नरेंद्र मोदी, मन की बात, ये चलता रहता है। और दूसरी तरफ 8 बजे शाम को नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पे, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं, बर्बाद कर दिया हम लोग को। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, उन लोगों को नहीं, हम लोगों को, मतलब जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, 2-3 अरबपति, उनको बर्बाद नहीं किया, मगर जो किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, युवा है, उनको बर्बाद किया। और उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने लाइन में खड़ा किया था बैंक के सामने, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भूल गए क्या?
मतलब घंटों खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, भूल गए, खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, निकाला था ना, कितना पैसा डाला आपने बैंक में? हाँ हाँ, आपका पैसा आपके जेब में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने बैंक में डाला, और बैंक से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाल के उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, और देश की जनता को कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी काले धन वाले को देखा? उसमें अनिल, ये अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में, अदानी खड़ा था लाइन में ना? उसमें तो किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, माताएं बहनें थी। वो बड़े वाले अरबपति वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे से गए, पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो करना था कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। अब कुछ ही दिन पहले कोरोना आता है, कोरोना आता है, फिर से 8 बजे टेलीविजन पे मोदी जी आ जाते हैं, पता नहीं 8 बजे क्यों हर बार, पता नहीं क्या हो जाता है, 8 बजे आते हैं और इस बार कहते हैं भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा देगा, वारे 22 दिन में हरा देगा। उसके बाद कहते हैं हां भाई और बहनों 22 दिन में हराएंगे, एक काम करो थाली बजाओ। पूरे देश ने, मतलब पता नहीं क्या हो गया, पूरा देश कोरोना आया है, लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है देश को थाली बजाओ, पूरा देश धड़ाधड़ थाली बजा रहा है। मैं देखते हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है? कोरोना नहीं गया, उसके बाद कहते हैं भाई और बहनों थाली ने काम नहीं किया, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और अब पता नहीं हो गए 6-7 महीने हो गए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, मोदी जी कोरोना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अब पहले कह रहे थे 22 दिन की लड़ाई है, अब कोरोना आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह फैल रहा है, नरेंद्र मोदी चुप। मगर नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कोरोना के समय देखने को मिला। देखिए भाइयों और बहनों, सच्चाई नहीं छुप सकती, दिन भर आप झूठ बोलो, 24 घंटा नरेंद्र मोदी झूठ बोले, मगर कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक दिख जाती है। ये हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, सब में लिखा है कि भैया अंत में सच्चाई दिख जाती है। अब देखिए मैं सच्चाई आपको बताता हूं आज, और कट्टर से कट्टर आरएसएस वाला, उसको भी ये सच्चाई माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। कोरोना आता है और प्रधानमंत्री 8 बजे रात को कहते हैं मैं लॉकडाउन कर रहा हूं। अब अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में देश के लिए, गरीबों के लिए इतना भी प्यार होता, तो नरेंद्र मोदी झटके से एकदम लॉकडाउन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जानता है कि इस देश में करोड़ों मजदूर, लाखों नहीं करोड़ों मजदूर एक दिन की दिहाड़ी पर जीते हैं, और अगर आपने बिना नोटिस दिए 1 वार्निंग के अगर आपने एकदम लॉकडाउन कर दिया, तो ये मजदूर खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, पिस जाएंगे, मर जाएंगे। और ये सच्चाई है, प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं सोचा कि ये जो बिहार से लोग, कोई पंजाब में है, कोई असम में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है, अगर लॉकडाउन होगा तो इनका क्या होगा। और आपने देखा लाखों मजदूर बिहार के युवा
हमारा भविष्य, देश का भविष्य। कोई बेंगलोर से चला आ रहा है, कोई मुंबई से चला आ रहा है, कोई पंजाब, कोई हरियाणा से पैदल वापस, बिना पानी, बिना भोजन। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं ट्रेन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, मगर गरीबों को ट्रेन नहीं दूंगा मैं। ये हैं देश के प्रधानमंत्री। आपने नरेंद्र मोदी को कभी भी गरीब व्यक्ति से गले मिलते हुए देखा है? ना। अंबानी जी, अदानी जी के साथ गले मिलेंगे मगर किसान का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे, मजदूर का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे। मैं मिला मजदूरों से, मिला, लॉकडाउन हुआ मैं जाके मिला दिल्ली में, मैंने पूछा आपको क्या लग रहा है, मुझे कहते हैं राहुल जी यूपी तक जाना है, हजारों किलोमीटर चलना है। हमारा एक सवाल है आपसे, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा क्या है? कहते राहुल जी हमें एक बात समझ नहीं आई। क्या? कहते हैं राहुल जी के जो प्रधानमंत्री है, इसने जो लॉकडाउन किया, इसने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? अगर ये हमें एक दिन दे देते, हम बस में, ट्रेन में बैठकर घर पहुंच जाते। इसने हमें एक दिन छोड़िए, इसने हमें 5 मिनट क्यों नहीं दिए? मजदूर पंजाब से चले आ रहे थे, जिनसे मैंने बात की, उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा कि जो भी हमारा था हमने पंजाब में छोड़ दिया। जो बर्तन थे, जो भी हमारी हमारे पास था हमने पंजाब में छोड़ना पड़ा, उठा के हम बिहार नहीं, उठा के हम उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उठा के हम उत्तर प्रदेश नहीं ले पाए, तो जो भी हमारा था हमने वहां छोड़ दिया। इस प्रधानमंत्री ने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? तो ऐसे व्यक्ति के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, नहीं करेगा। बिहार की बात करते हैं, आपको यहां धान के लिए क्या रेट मिलता है? 1000। मक्के के लिए क्या रेट मिलता है? ठीक है, आपका जो धान है, आपका खून पसीने का जो धान है, जो मक्का है, वो बिचौले जाके पंजाब में बेचते हैं, हरियाणा में बेचते हैं, सही बात है? तो आपका जो पैसा है आपको नहीं मिलता, बिहार के किसान को नहीं मिलता, आपका पैसा बिचौलियों को मिलता है, और पंजाब में आपका धान और मक्का जाके बिकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव था, हमने वहां चुनाव की मीटिंग में कहा देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 2500 रुपए धान का रेट मिलेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप में से कोई भी कभी छत्तीसगढ़ जाए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या रेट मिलता है, वो आपको बता देगा 2500 रुपए मिलता है। क्यों हमने ये किसानों को ये रेट क्यों देते हैं हम छत्तीसगढ़? आप ये मत सोचो कि सिर्फ किसान की मदद कर रहे हैं। जब हम किसान को 2500 रुपए देते हैं तो किसान उस पैसे से कुछ ना कुछ खरीदता है, कोई शर्ट खरीदता है, कोई पैंट खरीदता है, कोई जूता खरीदता है, कोई साबुन खरीदता है। जब किसान माल खरीदते हैं तो लोगों को माल बनाना पड़ता है, जब माल बनाना पड़ता है तो फैक्ट्रियां चालू होती हैं, शुरू होती हैं, लगती हैं। छत्तीसगढ़ में कोई आर्थिक समस्या नहीं, क्योंकि हमने किसानों को पैसा दिया, किसानों ने माल खरीदा,
माल खरीदे, जब जब उन्होंने माल खरीदा, फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों ने माल बनाया और फिर पूरी साइकिल चली। यहां पे मुश्किल क्या है, यहां पे किसान को मजदूर को पैसा ही नहीं देते, आपका पैसा छीन कर कहीं और चला जाता है। अगर गांव में कुछ कुछ खरीदेगा नहीं तो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी, किस चीज के लिए लगेंगी? हाँ, पकौड़े बनाने का। मोदी जी कहते हैं मैंने किसान को आजाद कर दिया, नए कानून लाए हैं, मंडियों, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। कहते हैं मैंने किसानों को आजाद कर दिया। अजीब सी बात है, मोदी जी ने किसानों को आजाद किया और पंजाब में पहली बार मैंने देखा दशहरे पे रावण को नहीं जलाया जा रहा, दशहरे पे नरेंद्र मोदी को, अंबानी को और अदानी को जलाया जा रहा है। तो कैसी आजादी दे दी आपने? आपने किसानों को आजादी दी और पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दशहरे पे आपका पुतला जला रहा है। अगर आपने उसको आजादी दी वो खुश क्यों नहीं है भैया, वो आपके पुतले क्यों जला रहा है? मोदी जी कहते हैं आजादी दी, कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी, किसान को माल बेचने के लिए सड़क की जरूरत होती है, सड़क के बिना किसान अपना माल कहीं भी नहीं बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि किसान अपना माल गन्ना, धान हवाई जहाज से जाके बेचेगा। अच्छा ठीक है, अगर वो सोच थी तो यहां फॉर्ब्सगंज में एयरपोर्ट लगा देते, मगर नहीं, चार बार आएंगे कहेंगे कि मैं एयरपोर्ट लगाऊंगा, नहीं लगा। तो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं, नफरत फैला देते हैं और फिर चले जाते हैं। इस बार बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, बेरोजगारी की बात, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, नीतीश जी ने कितनों को रोजगार दिया? कोई एक एक व्यक्ति है यहां पे जो कह सकता है हां नीतीश जी ने मुझे रोजगार दिया? ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या है? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा, मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला? और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे, और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। वो हर युवा को कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है तो वोट नहीं मिलेगा, बिहार का युवा वोट नहीं देगा। मैं आपको यहां अंत में एक बात कहना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी, गरीबों की, किसानों की, हर जात की, हर धर्म की, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी। हम मिलकर
इस प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। तो हम एक साथ मिलकर हम इस प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। आखिरी बात, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता, ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। आखिरी बात मैं कहना चाहता था, जब तक यहां मक्के के कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक आपको सही रेट नहीं मिल सकता। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग के कारखाने हैं, इसीलिए पंजाब में सही रेट मिलता है। मैं चाहता हूं कि बिहार का किसान भी अपना धान, अपना मक्का बिहार में बेचे, पंजाब में ये धान ना बिके। और इसीलिए हमें मक्के को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियां बिहार में लगानी पड़ेंगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यहां आपके खेत के बिल्कुल पास मक्के को प्रोसेस करने की फैक्ट्री हम लगाएं। मैं यहां सिर्फ पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आया हूं, चुनाव है वो अलग बात है, मगर मैं आपके साथ रिश्ता बनाने आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, वो आप मुझे बता पाओ। मतलब एक दिन का रिश्ता नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और यह आपने देखा होगा, चाहे एमवीएम हो, चाहे मोदी जी का मीडिया हो, मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं। ये बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी मीटिंग्स में मेरे बारे में कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं तमीज से बात करता हूं, मैं बदतमीजी से बात नहीं करता हूं। और जितने भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उतना मैं प्यार फैलाने की कोशिश करता हूं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ प्यार से काटा जा सकता है। और मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा। चाहे मीडिया हो, चाहे ये मोदी वोटिंग मशीन हो, जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई होती है, न्याय न्याय होता है, और हम इस व्यक्ति के सामने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और हम उनकी सोच को हराएंगे। धन्यवाद।